श्री महाभारते खिल्लभागे चतवारिंश अध्याय में श्री कृष्ण बलराम और परशुराम जी का गोमंत पर्वत पर आरोहण, गोमंत की शोभा का वर्णन तथा परशुराम जी का श्री कृष्ण को युद्ध के लिए प्रोत्साहन देकर के वहां से प्रस्थान। शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस होम धेनु का दूध पी करके बल और दर्प से भरे हुए वे दोनों यदुपुंग वीर परशुराम जी के साथ वहां से प्रस्थित हुए। मतवाले गजराज की भांति मस्ती के साथ चलने वाले वे वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण और बलराम परशुराम जी के बताए हुए मार्ग से गोमंत पर्वत का दर्शन करने के लिए चले। उन दोनों के साथ तीसरे परशुराम जी थे। वे तीनों तीन अग्नियों के समान उसी तरह मार्ग की शोभा बढ़ाते थे जैसे देवता स्वर्ग की। मनुष्य जिस तरह किसी मार्ग पर चलते हैं उसी विधि से वे सब लोग यात्रा करते हुए क्रमशः कई दिनों के बाद गोमंत गिरी पर जा पहुंचे, मानो देवता मंद्राचल के शिखर पर गए हों। नाना प्रकार के लताओं के विस्तार से उस पर्वत की सुंदर एवं विचित्र शोभा हो रही थी। भांति भांति के वृक्ष उसमें उसके लिए भूषण का काम दे रहे थे। उस पर्वत का सारा अंग अनेक प्रकार के अगरू आदि सुगंधित धूपों से व्याप्त था। मनोहर मयूर उसे और भी विचित्र शोभा से संपन्न किए देते थे। भ्रमरों से व्याप्त और शिला तथा वृक्षों से भरा हुआ वह पर्वत मेघों के समान गंभीर स्वरों में बोलने वाले मतवाले मयूरों की मधुर ध्वनि से निनादित हो रहा था। उसके शिखर आकाश के उधर भाग से लगे हुए थे। बादल उसके वृक्ष का आलिंगन करते थे तथा उसके प्रस्तर खंड मतवाले हाथियों के दांतों के अग्रभाग की रगड़ने से घिरे हुए दिखाई देते थे। उन प्रस्तरों से अंकित हुआ वह पर्वत बड़ी शोभा पाता था। वहां चारों ओर पक्षी कलरव करते थे जिसकी प्रति ध्वनि सब और छाई रहती थी। गुहाओं में झरने का जल गिरने से जो शब्द होता था तथा बड़े बड़े व्याघ्रों के दहाड़ने से जो ध्वनि होती थी उससे भी वह पर्वत व्याप्त हो रहा था। वहां नीले पत्थरों के ढेर पड़े थे जिससे वह अनेक वरण के मेघ की भांति शोभित होता था। पानी के साथ गेरु आदि धातुओं के बहाने से जिसका अंग चंदन से चर्चित सा जान पड़ता था, शिखरों से जो झरने गिर रहे थे वे आभूषण के समान उसकी शोभा बढ़ाते थे। कांतिमान देवता वहां सब और हेले हुए थे। वह इच्छा के अनुसार विचरने वाले मैं नाक सा प्रतीत होता था। अत्यंत विशाल शिखर से शोभित वह उच्चतम पर्वत अपने मूल भाग से निर्झरों की जल की धारा बहा रहा था। वन गुफा और शिखर से संपन्न वह शैलराज श्वेत बादलों से भूषित था। वहां कटल आम्रतक अर्थात आमड़ा आमों के समूह, बैंत स्यंदन चंदन तमाल इलाची के वन तथा मिर्च की झाड़ियां शोभा पाती थी। वहां सब और पिपली की बेलें फैली हुई थी। इंगुदी के वृक्ष विचित्र शोभा दे रहे थे तथा सर्जरस अर्थात राल के वृक्ष
सब ओर से उस पर्वत को शोभित किए हुए थे। ऊंचे ऊंचे शाल वृक्षों के वन तथा अन्य बहुत से विचित्र वन उस पर्वत की शोभा बढ़ा रहे थे। राल, नीम और अर्जुन वृक्षों का वन शोभा दे रहा था। पापड़ वृक्षों के समूह वहां सब ओर छा रहे थे। हिंताल, तमाल और पुन्नाग अर्थात जायफल उसे शैल शिखर की शोभा बढ़ाते थे। वहां जलों में जलज कमल, स्थलों में स्थलज कमल तथा अन्यायन वृक्ष समूहों सब ओर से उस पर्वत के आभूषण बने हुए थे। जामुन, केवड़े, कद्रू, केले, चंपा, शोक, बकुल, बिल और तिंदुक आदि वृक्षों से वह शैल सुशोभित था। बहुत से कुंज और नाग केसर के फूल सब ओर से उसकी शोभा बढ़ाते थे। झुंड के झुंड हाथी वहां सब ओर हेले हुए थे। मृगों के समुदाय से वह शोभायमान था। उसके प्रस्तर खंडों के मध्य भागों में सिद्ध, चारण तथा राक्षस बैठे हुए थे। गंधर्व, गुहक तथा पक्षी भी उस पर्वत का सेवन करते थे। उनकी शिलाएं सदा ही विद्याधर गणों से सेवित होती थी। सिद्धों और व्याघ्रों के दहाड़ने की ध्वनि से वह पर्वत निरंतर गूंजता रहता था। जल की धाराएं और चंद्रमा की किरणें उसका सेवन एवं शोभा संवर्धन करती थी। देवता और गंधर्व उसकी प्रशंसा करते थे। वह पर्वत अप्सराओं से अलंकृत था। दिव्य वनस्पतियों के नाना प्रकार के फूल वहां सब और बिखरे पड़े थे। उस पर्वत को कभी भी इंद्र के वज्र पर हार की व्यथा का अनुभव नहीं हुआ था। वहां ना तो दावानल का भय था और ना प्रचंड आंधी का। निर्जरों से प्रकट हुई सरिताएं उस पर्वत को शोभित करती रहती थी। वह अपनी शोभा बढ़ाते हुए से मुखाकार कानों से उपलक्षित होता था। जल और सीमार से युक्त शिखरों के अग्रभाग पर मानो वह लक्ष्मी से आंख मिला रहा था। पशुओं से सेवित कमनीय मन स्थली उसकी शोभा बढ़ाती थी। पार्श्व भाग में स्थित चितकबरे प्रस्तर खंडों से वह ऐसी शोभा पा रहा था मानो बहुरंगे बादलों से विभूषित हो रहा हो। अपने वृक्ष समूहों से भूमि को ढक देने वाली पुष्प शोभित वन श्रेणियां उस पर्वत को सब ओर से घेर करके उसी प्रकार शोभा संपन्न किए हुए थी जैसे पुष्पवली युवती स्त्रियां पति को घेर कर खड़ी हों। जगह जगह सुंदर गुफाओं और मनोहर कंदराओं से अलंकृत हुआ कोमंत गिरी विभिन्न स्थानों में स्पत्नीक पुरुष की भांति शोभा पाता था। विभिन्न प्रकार की औषधियां उसके शिखर को उद्भासित किए हुए थी। वानप्रस्थ मुनि उसका सेवन करते थे तथा उसके सहज सुंदर वन उद्देश्य कृत्रिम उद्यानों की भांति उसे विभूषित किए हुए थी। वह पर्वत अपने अत्यंत विशाल मूल भाग और उच्चतम शिखर से पृथ्वी और आकाश में प्रविष्ट होकर के उनकी था लगाता हुआ सा खड़ा था। परतों में श्रेष्ठ सुंदर एवं मनोहर गोमंत पर्वत पर पहुंच करके उन सभी देवोपम पुरुषों ने वहां निवास करने की इच्छा की। गरुड़ के समान पराक्रमी वे तीनों महापुरुष उस श्रेष्ठ पर्वत पर उसी तरह वेग से चढ़ने लगे जैसे पक्षी ऊपर आकाश में उड़ते हैं। उस समय उनमें से किसी की भी गति अवरुद्ध नहीं होती थी। वे देवताओं की भांति उसके सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ हो गए। वहां उन्होंने सहसा अपने रहने के लिए घर बना लिया मानो मानसिक संकल्प से ही उनका निर्माण कर लिया हो। उन दोनों यदु कुमारों को वहां विराजमान हुआ देख परम बुद्धिमान परशुराम जी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने अभीष्ट स्थान पर जाने के लिए उनसे पूछना आरंभ किया। तात, प्रभावशाली श्री कृष्ण, अब मैं सुरपारक नगर को जाऊंगा। आप दोनों को तो युद्ध में देवता भी नहीं हरा सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या। श्री कृष्ण,
तुम दोनों के साथ मार्ग का अनुसरण करने से मुझे जो प्रसन्नता प्राप्त हुई है वह मेरे इस अविनाशी शरीर को अनुग्रहित कर रही है। मैंने जिसे बताया था और जहाँ तुम्हें अपना दिव्य आयुध प्राप्त होने वाले हैं वे स्थान यही हैं। देवताओं ने तुम्हारे लिए उसकी प्राप्ति का यही समय निर्धारित किया है जो परलोक के लिए हितकर है। देवताओं में श्रेष्ठ वैकुंठ, तुम सर्वव्यापी विष्णु हो। देवताओं ने सदा तुम्हारी स्तुति की है। श्री कृष्ण, तुम मेरी ये तात्विक बात सुनो जो संपूर्ण जगत के लिए हितकर है। गोविंद, तुमने मनुष्यों के हित के लिए संसार में मानव शरीर धारण करके जो ये लौकिक कर्म प्रारंभ किया है उसका ये पहला प्रयोग यही होने जा रहा है। काल ने उसका आयोजन यही किया है। श्री कृष्ण, जरासंध के साथ संग्राम उपस्थित होने पर तुम स्वयं ही अपने आप के अपने को आयुध बल से संपन्न कर लेना और अपना रण ककर्ष रूप बना लेना। जिस समय तुम 8 मांसल कंधों से युक्त हो, हाथों में चक्र और गदा उठाए युद्ध के लिए उपस्थित होगे, उस समय तुम्हें देख करके देवराज इंद्र भी भयभीत हो उठेंगे। मानद, जब तुम हाथ में हथियार लेकर के युद्ध के लिए उद्यत हो गए होगे, तब आज से ही भूमंडल के राजाओं की स्वर्गीय यात्रा आरंभ हो जाएगी। वक्ताओं में श्रेष्ठ महाबाहु गोविंद, तुम अपने ध्वजा आरोपण रूप कार्य की सिद्धि के लिए शीघ्र ही वाहन रूप विनीतानंदन गरुड़ का आवाहन करो। युद्ध की इच्छा करने वाले नरेशगण सर के लिए अभी मुख एम उद्यत होकर के युद्ध वृत्ति का आश्रय लेकर के धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के अधीन होकर खड़े हैं। राजाओं का निधन होने वाला है, ये बात प्रत्यक्ष देख करके वह धव्य सूचक वेशभूषा धारण किए एक वैनी धारणी केश संस्कार से रहित ये वसुंधरा तुम्हारी राह देखती है। शत्रुमर्दन श्री कृष्ण, आप मानव रूप धारण करके इस धरातल पर आ गए हैं और युद्ध का अवसर भी उपस्थित है, इसलिए क्षत्रिय समाज मृत्यु से संकुचित ना होकर के रणभूमि में आने के लिए उतावला उठा है। किसी समय विशेष की प्रतीक्षा नहीं कर रहे क्योंकि उसका जन्म नक्षत्र क्रूर ग्रह से आक्रांत हो गया है। श्री कृष्ण, तुम दानों का वध करने, नरेशों को स्वर्गलोक में भेजने और देवताओं को सुख पहुंचाने के उद्देश्य से युद्ध के लिए जल्दी करो। सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण, तुम स्वरूपता सबके द्वारा सत्कृत हो। तुम सर्वात्मा ने जो मेरा सत्कार किया है उससे मैं चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोकों द्वारा सत्कृत हो गया और सदा के लिए सत्कारवान बन गया। महाबाहो, मैं तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए स्वयं भी साधना करूँगा। सभी भूमिपालों को चाहिए कि वे दुर्गम संकट और युद्ध के अवसरों पर मेरा स्मरण करें। ऐसा कह करके परशुराम जी अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण को विजय सूचक आशीर्वाद से बढ़ावा दे करके स्वयं अभीष्ट दिशा को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण का गोमंत पर्वत पर आरोहण विषयक 40वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्ल भागे 144वें अध्याय में बलराम के पास वारनी कांति एवं श्री शोभा इन देवांगनाओं का आगमन, गरुड़ के द्वारा श्री कृष्ण को वैष्णव मुकुट की प्राप्ति, श्री कृष्ण का बलराम से वार्तालाप तथा जरासंध की सेना का निरीक्षण करके अपने आप से ही मानसिक उद्गार प्रकट करना। शंपायन जी कहते हैं, जनमेजय परशुराम जी के चले जाने पर यादव कुल का भार वहन करने वाले वे श्री कृष्ण
और बलराम इच्छा के अनुसार रूप धारण करके गोमंत पर्वत के रमणीय शिखर पर विचरने लगे। उन दोनों के वक्षस्थल में वनमाला शोभा पा रही थी। दोनों क्रमशः नीले पीले वस्त्र धारण करके अपने गौर श्याम शरीर से आकाश में स्थित हुए दो मेघों के समान शोभा पा रहे थे। पर्वतीय धातुओं से अपने अंगों का श्रृंगार करके उस पर्वत के शिखर पर खड़े हुए दोनों नवयुवक वीर क्रीड़ा की लालसा लिए कमनीय वनों में विचरण करने लगे। वे उस पर्वत पर ज्योतिर्मय नक्षत्रों में श्रेष्ठ चंद्रमा के उदय की शोभा देखते और ग्रहों के उदय अस्त देखा करते थे। एक दिन परंपरा कर्मी श्रीमान संकर्षण श्री कृष्ण के बिना ही उस पर्वत के शिखर पर विचर रहे थे। वे स्वयंभी पर्वत के समान प्रतीत होते थे। घूमते घूमते खिले हुए कदम की मनोहर छाया में बैठ के उसमें कदम की मधुर मंद गंध से वासित वायु उन्हें सुखपूर्वक व्यजन ढुलाने लगी। वह मंद मंद वायु बहकर के जब बलराम जी की सेवा कर रही थी उस समय उनकी घ्राण इंद्रियों में मधु का स्पर्श करके आए हुए सुगंधित समीर ने प्रवेश किया। उस समय उनके भीतर वारनी मधु या अमृत की तृष्णा का आवेश हुआ। फिर तो दूसरे दिन मतवाले पुरुष की भांति उनका मुंह सूखने लगा। उन्हें पूर्व काल में किए हुए अमृत पान का स्मरण हो आया। वे त्रिषित होकर के उस अमृत की खोज करने लगे। तब उन्होंने उस वृक्ष की ओर देखा। वर्षा काल में उस खिले हुए कदम पर जो मेघों का बरसाया हुआ जल गिरा था वह उसके कोटर में मनोहर सुधा के रूप में प्रकट हो गया। बलराम जी का हृदय प्यास से घबरा उठा था। वे पिपासा पीड़ित पुरुष की भांति उस अमृत को बार बार पीने लगे। उसको अधिक पी लेने के कारण उन पर मोह सा छा गया, जिससे उस प्रभावशाली का शरीर कुछ लड़खड़ाने सा लगा। मधु से मत हुए बलराम का मुख कुछ झूमता सा प्रतीत हुआ। नेत्र किंचित चंचल हो उठे। उस मुख की प्रभा शरद काल के चंद्रमा की भांति शोभित होने लगी। वह मधुमय सुधा कदम के कोटर में उत्पन्न हुई थी, इसलिए कादम्बरी नाम से विख्यात हुई। महामूर्तिमती वारनी प्रकट हुई थी, जो देवताओं के लिए अमृत पैदा करने वाली है। श्री कृष्ण के बड़े भाई को कादम्बरी मधु या अमृत के नशे से स्पष्ट बात बोलने में असमर्थ जान करके तीन प्रिय वारनी देवांगनाएं उनकी सेवा में उपस्थित हुई। एक तो मादक मधु या अमृत की अधिष्ठात्री देवी, जिन्हें वारनी कहते हैं, मूर्तिमती होकर के प्रकट हुई। दूसरी चंद्रमा की प्रिय कांति की अधिष्ठात्री देवी थी। और तीसरी श्री देवी थी, जो सर्वश्रेष्ठ स्त्री मानी जाती। उसके ध्वज में कमल का चिन्ह है। वे देवी स्वयं ही हाथ जोड़े हुए रोहिणी नंदन बलराम की सेवा में उपस्थित हुई थी। वारनी के साथ उन्होंने मद विहल बलराम जी से इस प्रकार कहा। पहले वारनी बोली, देव लोकेश्वर बलदेव, आप दोनों की सेना पर विजय प्राप्त करें। आप दैत्यों की सेना पर विजय प्राप्त करें, मैं आपकी प्राण वल्लभ वारनी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। निर्मल मुख वाले देव, मैं आपको वड़वा नल के समीप पाताल में शेष रूप से नित्य विराजमान जानती थी, किंतु इस समय भूतल में अवतार लेने के कारण वहाँ से अदृश्य हो गए हैं। ऐसा सुनकर के मैं पुण्यहीन नारी सी आपकी खोज में सारी पृथ्वी पर भटक रही थी। अजय वीर, मैंने पुष्प सहों से अनुलिप्त हों के केसरों में निवास किया है। फूलों के गुच्छों से सुशोभित वासंती लताओं में वास किया है। मेरे लिए प्यासे हुए आपकी खोज करती हुई मैं अपने रूप को छिपा करके वर्षा काल में कदम वृक्ष के भीतर लुक छुप करके रहती आई हूँ।
मुझे आपके मुख का निवास ही विशेष प्रिय है। निष्पाप बलराम, जैसे पूर्व काल में अमृत मंथन के समय पूर्ण योग से युक्त होने पर मेरे पिता वारुण ने मुझे आपके समीप भेजा था, जैसे समुद्र में और पाताल में मैं आपके पास रही हूँ, उसी प्रकार इस समय भी आपकी सेवा में उपस्थित हुई और चाहती हूँ कि मैं आपके द्वारा मेरा उपभोग हो, क्योंकि मेरे हृदय में आप ही को अपना स्वामी माना है। अनग, आप मुझे डांट बताएं तो भी मैं आप अनंत का प्रत्याग नहीं करूंगी। देव, मैं समुद्र में रहने वाले के योग्य नीले रंग की रेशमी साड़ी पहन करके आदि पदम तथा पदम चिन्हित दिव्य करण भूषण धारण कर आपकी सेवा में आई हूँ। आपके बिना मैं दूसरे किन्हीं लोगों का सेवन करना नहीं चाहती। वारनी के बाद कांति देवी शंकरचंद की सेवा में उपस्थित हुई। उसका कटिप्रदेश मद से कुछ कंपित हो रहा था, आंखें भी कुछ घूम रही थी। उसने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, जय हो बलराम जी की। फिर प्रेम से मुस्कुराती हुई वह प्रयोजन युक्त वचन बोली, प्रभु आपके शस्त्रों मस्तक हैं, आप जगत के स्वामी हैं, मेरी दृष्टि में आपका गौरव चंद्रमा से भी अधिक है। मैं भी वारुण की भांति आपके निजी गुणों से आकृष्ट होकर के आप में अनुरक्त होगी हूँ, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप मुझे अंगीकार करें, जो भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में नित्य निवास करने योग्य है वे कमल वन में वास करने वाली देवी श्री शोभा रोहिणी नंदन बलराम के वक्ष स्थल में सुंदर माला की भांति प्रतिष्ठित होकर के निर्मल भाव को प्राप्त हुई। उसका मुख कमल के समान शोभित था, उनके हाथ में भी कमल पुष्प शोभा दे रहा था। वस्त्राभूषणों से सुजज्जित वे मूर्तिमती शोभा देवी बलराम के वक्ष में स्थिर हो एक निर्मल माला हाथ में लेकर के शंकरचंद से बोली, द्वेष राम बलराम, आप बड़े ही अभिराम अर्थात सुंदर हैं। वारनी से चंद्रमा की कांति से और मुझ से कमलाल्या किसी शोभा से संपन्न होकर के चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रही हैं। आप सहस्त्र सिर वाले अनंत देव के मस्तक पर जो सूर्य के समान उद्भासित होता था वह मुकुट समुद्र से निकाल करके मैं यहाँ ले आई हूँ, यही है वह मुकुट। इसके सिवा वज्रमणि हीरे से विभूषित एक स्वर्ण में कुंडल भी लेती आई हूँ, जो आपके एक कान का दिव्य भूषण है। यह आदि पदम और पद्माक्ष कहलाता है, जो समुद्र में ही मिल सकते हैं। ऐसे कितने ही नीले रंग के रेशमी वस्त्र अथवा आपकी इच्छा के अनुरूप नील कोशे वस्त्र तथा ये पीन तरल हार जो समुद्र में ही विद्यमान था मैं आपके लिए लाई हूँ, आप इसे सादर ग्रहण करें। देव, ये सब आपकी पुरातन भूषण सामग्री है, इसे ग्रहण कीजिए। माँ बाहो, ये आपके भूषण ग्रहण करने का समय है, आपसे ही इन भूषणों की शोभा है, इससे आपकी नहीं वह अलंकार तथा उन देवी देवांगनाओं को ग्रहण करके बलदेव जी शरद काल के चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगे। तदंतर वे नील कमल और मेघ के समान श्याम कांति वाले श्री कृष्ण के साथ मिलकर के ग्रह युक्त चंद्रमा के समान शोभित होने लगे। उस समय उनकी बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। वे दोनों भाई जैसे घर में बैठे हों उस प्रकार बातचीत करने लगे। इसी प्रकार इसी समय विनीता नंदन गरुड़ बड़े वेग से विशाल मार्ग तय करके वहां पर आए। तेजस्वी गरुड़ उस समय एक संग्राम से छूट करके आए थे। दैत्यों के प्रहारों के चिन्ह उस समय भी उनके अंगों में अंकित थे। वे देवताओं की विजय चाहने वाले तथा दिव्य पुष्पों की माला और दिव्य चंदन धारण करने वाले थे। वरुण के निवास भूत शीर समुद्र में
जब भगवान विष्णु दिव्य शैया पर सो रहे थे उस समय विरोचन के पुत्र एक दैत्य ने उनका क्रीट चुरा लिया। अपने गुरु रूप भगवान के लिए उस क्रीट को वापस लाने के उद्देश्य से गरुड़ ने बीच समुद्र में दैत्यों के साथ बलपूर्वक संग्राम किया। भगवान विष्णु के उस क्रीट को दैत्यों के हाथ से छुड़ा करके पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ बड़े वेग से देवताओं के निवास भूताकाश में उड़ चले। उन्होंने देखा मेरे स्वामी विष्णु दूसरे कार्य से इस पर्वत पर पधारे हैं। वे उस समय उस प्रकाशमान क्रीट को पीड़ा पूर्वक अपनी चोंच में लटकाए चल रहे थे। गिरिराज गोमंत के शिखर पर विराजमान मानव रूप पधारे विष्णु को प्रकाश और चेष्टाओं से रहित तथा मुकुटहीन देख उनके मानसिक भावों को समझने वाले पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ ने आकाश में स्थित होकर के बड़े हर्ष के साथ उन श्री विष्णु के सिर पर वह मुकुट डाल दिया। वह मुकुट श्री कृष्ण के मस्तक पर गिरा और इस प्रकार बैठ गया मानो किसी ने पहना दिया। मस्तक के स्थान पर निश्चय रूप से आबद्ध होकर के उस मुकुट ने भगवान श्री कृष्ण की शोभा बढ़ा दी, जैसे दोपहर के समय मेरु के शिखर पर सूर्य देव प्रकाशित होते हैं। उसी प्रकार वह मुकुट भी दैदीप्यमान हो रहा था। गरुड़ के प्रयोग से मुकुट को मस्तक स्थल पर आया हुआ जान करके श्री कृष्ण का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और वह बलराम जी से इस प्रकार बोले, भैया इस पर्वत पर हम दोनों के लिए जिस प्रकार युद्ध उपयोगी वेशभूषा के रचना कर दी गई है, इससे यही अनुमान होता है कि देवताओं का कार्य एवं प्रयोजन शीघ्र ही सिद्ध होना चाहता है, इसमें संशय नहीं है। जब मैं महासागर में सो रहा था उस समय विरोचन का पुत्र इंद्र का सा रूप धारण करके वहाँ चला गया और जब मैं शेष सैया से उठ करके यहाँ आ गया तब वह ग्रह रूप धारण करके वहाँ से मेरा मुकुट उठा लाया। वही मुकुट गरुड़ उससे छीन लाए हैं और उन्होंने इसे मेरे मस्तक पर रख दिया। नीचे ही राजा जरासंध अब बहुत निकट आ गया है, क्योंकि वायु के समान वेग वाले रथों की ध्वजाओं के अग्रभाग दिखाई दे रहे हैं। आर्य विजय की अभिलाषा रखने वाले राजाओं के ये चंद्रमा जैसे श्वेत कांति वाले सुसज्जित छत्र प्रकाशित हो रहे हैं। इनकी संख्या परिमित ही है। राजाओं के रथों पर विराजमान जो ये श्वेत वर्ण वाली ऊंची छत्र पंक्तियां हम लोगों की ओर बढ़ी आ रही हैं, ये आकाश से उज्ज्वल हंस पंक्तियों के समान शोभित होती हैं। इन निर्मल प्रभाव वाले शस्त्रों की चमक से आकाश का मुख भी उज्ज्वल एवं प्रकाशित होता है। शस्त्रों की ये दीप्तियां सूर्य देव की किरणों से मिलकर के 100 दिशाओं में विचर से प्रचीत होती है। निश्चय ही सम्रांगण में भूमिपालों द्वारा मुझ पर चलाए गए ये समस्त अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाएंगे। राजा जरासंध ठीक समय पर आया है। यह हम लोगों के युद्ध कौशल की कसौटी है तथा सम्रांगण का पहला अतिथि है। आर्य हम दोनों साथ नहीं, राजा जरासंध के आने से पहले अभी हमें युद्ध आरंभ नहीं करना चाहिए जब तक वह नहीं आ जाता, तब तक हम उसके बल का विचार कर लें। ऐसा कहकर के श्री कृष्ण स्वस्थ भाव से संग्राम की इच्छा रख करके जरासंध का वध चाहते हुए उनके सैनिक बल का निरीक्षण करने लगे। उन सब राजाओं का निरीक्षण करते हुए अविनाशी यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही अपने आप से कहने लगे, अहो दिव्य लोक में देवताओं के साथ बैठ करके जो गुप्त मंत्रणा की गई थी उसके अनुसार ये भूमिपाल राजोचित मार्ग पर स्थित है। ये शास्त्रोक्त विधि से संग्राम में विनाश को प्राप्त होंगे। मैं तो समझता हूँ कि मृत्यु ने रण यज्ञ में आहुति देने के लिए इन श्रेष्ठ राजाओं को प्रोक्षण कर लिया। इनके स्वर्गामी शीर अभी से प्रकाशित हो रहे हैं। ये पृथ्वी
इन राज सिंहों के सैन्य समूहों से पीड़ित होकर के इनके भार से थक करके जो देवलोक में गई थी वह इसका जाना उचित ही था। अब थोड़े ही समय में यह भूमंडल इन राज समूहों से खाली होकर हो जाएगा और आकाश भर जाएगा। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णुपर्व में जरासंध का अभियान विषयक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ।